जब से रोहित शर्मा को कप्तानी से मुंबई इंडियंस ने हटाया है, तब से सोशल मीडिया पर जो रोहित शर्मा के फैन हैं वो आग बबूला हैं, वो गुस्से में हैं और लगातार सोशल मीडिया पर मुंबई इंडियंस की फैन फॉलोइंग घटती चली जा रही है। इंस्टाग्राम पर अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, खबरों के मुताबिक 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर मुंबई इंडियंस के कम हो चुके हैं और यही हाल एक्स पर भी है। एक्स पर जो मुंबई इंडियंस का अकाउंट है उस पर भी लाखों की तादाद में क्रिकेट फैंस ने मुंबई इंडियंस को अनफॉलो कर दिया है। रोहित शर्मा की वजह से मुंबई इंडियंस को दुनिया भर में लाखों फैन मिले, करोड़ों चाहने वाले मिले, अनगिनत प्यार करने वाले लोग मिले, लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा की कप्तानी से विदाई हुई, इन फैंस ने भी मुंबई इंडियंस पर अपनी नाराजगी जाहिर की और एक एक करके फैंस अनफॉलो कर रहे हैं। महिला जयवर्धने ने जो कल बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि रोहित शर्मा ने 10 सालों तक कप्तानी की, रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस को इस मुकाम तक पहुंचाया, लेकिन अब वक्त आ गया है मुंबई इंडियंस को आगे बढ़ने का और ट्रांजिशन पीरियड है, हमें नए हाथों में कमांड टीम की सौंपनी पड़ेगी और युवा हाथों के सहारे हमें अब आगे बढ़ना है और भविष्य की टीम तैयार करनी है, ये महिला जयवर्धने ने कहा था। लेकिन हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाए जाने के बाद से सूर्य कुमार यादव, जो पिछले सीजन में मुंबई इंडियंस के उप कप्तान थे, उन्होंने एक इमोजी इंस्टाग्राम पर शेयर की है, ब्रेक हर्ट की, मतलब टूटे हुए दिल को उन्होंने इमोजी के रूप में शेयर किया सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर भी और ट्विटर पर भी। तो कयास ये लगाया जा रहा है, क्या सूर्य कुमार यादव भी निराश हैं, नाराज हैं इस फैसले से? क्या सूर्य कुमार यादव खुद को एक कप्तान के रूप में देखना चाहते थे? क्या वो हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाए जाने से खुश नहीं है? ऐसे तमाम अटकलें फैंस लगा रहे हैं।